मध्य प्रदेश में सोयाबीन के दाम 6,000, कपास के 10,000 रुपये सहित अन्य फसलों की MSP बढ़ाने की मांग को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने मुख्यालय पर प्रभावी प्रदर्शन किया। किसानों के समर्थन में कांग्रेस सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ रैली निकाली। विधायक झूमा सोलंकी, केदार डावर, पूर्व विधायक रवि जोशी, लक्ष्मी विजय लक्ष्मी साधो आदि के नेतृत्व में जीते किसानों को कार्यकर्ताओं ने डायवर्सन रॉड से रैली की शुरुआत की। वहीं बड़ी संख्या में ट्रैक्टर शामिल होने से जगह जगह जाम की स्थिति भी बनी रही। रैली के करीब एक घंटे शहर के मुख्य मार्गों से होकर कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां ज्ञापन सौंपकर फसलों के दाम बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार की कथनी करने में अंतर है। एक ओर किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है तो दूसरी ओर अपने ही चुनाव वादों से मुकर कर किसानों से धोखा दिया जा रहा है। वहीं गेहूं 2700 रुपये, धान 3100 करने की बात कहने वाली सरकार ने पौन दाम के पर फसलें खरीद रही है, जिससे किसान कर्ज के बोझ में दब रहा है। कांग्रेस नेताओं के साथ ही उनका शोषण नहीं होने देंगे। आज जिला कांग्रेस कमेटी खरगोन के तत्वाधान में किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के और जो बड़वानी के जो करीब के लोग हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हुए ट्रैक्टर के माध्यम से। और हमारी जो प्रमुख मांग है, जो इस देश में एक विसंगति है, कोई भी उत्पादन करता है, चाहे कोई भी चीज बनाता, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, उत्पादन करता ही उसका भाव तय करता है, लेकिन किसानों के साथ में बड़ी दुर्गति है, विसंगति इस देश की, कि जो फसल उत्पादन करता है वो भाव नहीं तय करता है, जो खरीददारी है वो भाव तय करता है, वो भी उचित नहीं मिल रहा है। तो एक तो जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि गेहूं का 2700 हम समर्थन मूल्य देंगे, धान का 3100 और कपास का भाव आज की तारीख में 10,000 रुपए क्विंटल होना चाहिए, सोयाबीन का भाव जो है 6,000 रुपए क्विंटल होना चाहिए, इन सारी मांगों को लेकर ये किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया गया। और पूरलाल खरते प्रदेश महामंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी लोकसभा हो रहा है ना, उसको उसकी मक्का के बीज खराब दे दिए यहाँ पर कंपनियों ने, उसको मक्का की फसल नहीं बैठ रही। सोयाबीन 3,3200 बिक रही है, सरकार कागजों में MSP बता रही है, खरगोन में 3200 बिक रही है। कपास के भाव नहीं मिल रहे हैं, सोयाबीन के भाव नहीं मिल रहे हैं। किसान को बिजली के बड़े बड़े बिल मिलते हैं, उसके कृषि उपकरणों के ऊपर बड़े टैक्स लगे हैं, फसल बीमा में अलग किसान लूटा जा रहा है। ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर के प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस में किसान न्याय यात्रा निकाली गई। सोयाबीन के फसल के भाव एक तरफ कम हुए और सोयाबीन के तेल का भाव 25 रुपए बढ़ा दिया ये सरकार का। इन सबको लेकर के हमने किसानों के साथ में मिलकर के आज रैली निकाली, किसान न्याय यात्रा निकाली। उसके हमने एक मांग पत्र सौंपा है राज्यपाल महोदय के नाम कि अगर इस पे कार्रवाई करें, किसान की समस्याओं का निराकरण करें, नहीं तो हम और इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस खरगोन। खरगोन से UDN News के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट।